खालिद मेराज साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाहली के बाद इस हल्के में दोबारा ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, तो आप इसको किस तरह समझ रहे हैं? आप माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, आप इसको किस तरह ले रहे हैं? देखें जी, मैं आज डॉक्टर साहब के साथ ये डोर टू डोर की कैंपेन में हम साथ शामिल हैं। लोगों में तब्दीली आ गई है और लोग समझ गए हैं कि अगर इस मुल्क में एक अच्छी हुकूमत लेकर आनी है तो फिर तब्दीली लाजमी है, और तब्दीली की जो शक्ल है वो इमरान खान की। इस NA 120 को नून लीग को बड़ा मान है सीट पे, ये हमारा गढ़ है, कभी ये टूट नहीं सकता, हमारे वोटर जो है उनके दिलों में हम बसते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस दफा कुछ चेंज हो रही है, कोई तब्दीली की तरफ जा रहे हैं लोग? रिजल्ट बताएगा, बहुत बड़ी तब्दीली, क्योंकि जिस जिसका दरवाजा खटखटाते हैं हम जाके, लोगों में तब्दीली। रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बिल्कुल ठीक ठीक बात बताए। सख्त इलेक्शन है जी, नून को आसानी कोई नहीं है। पहले वाला इलेक्शन नहीं है कि 40,000 की लीड वो नहीं है? ना ना ना, बिल्कुल कोई लीड नहीं, और इंशाल्लाह इंसाफ पे अगर इलेक्शन हुआ और बायोमेट्रिक जिस तरह कहा जा रहा है, और जिस तरह पिछले इलेक्शन अलीम खान वाले में जब फौज ने आके इलेक्शन कंडक्ट कराया था, अगर इलेक्शन उस किस्म का हुआ तो आप तब्दीली देखेंगे, एक अपसेट भी आए। मुझे नहीं लगता धांधली होगी इस दफा, अलीम खान साहब वाले इलेक्शन में भी धांधली नहीं हुई। फिर यकीन रखें अपसेट हाजिर है।